में देखिए कोरोना डराने लगा है क्योंकि तीन और नए मामले सामने आए हैं। जगतपुरा में एक 35 साल का व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है, बुखार उसे आया, उसे खुद जांच कराया, उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। साथ ही साथ में आपको बता दें कि मानसरोवर के 43 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव आई, खांसी होने पर उसने खुद जांच करवाई और पॉजिटिव मिली। चाकसू की 73 साल की महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है, हालांकि एक्सीडेंट होने पर उसको अस्पताल लाया गया था। महिला के एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है लेकिन अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लिहाजा अब जाँच इसकी भी होगी। भरत राज हमारे सहयोगी कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। भरत, तीन और मामले सामने आए, किस प्रकार से तीनों मामले डिटेक्ट हुए और किस प्रकार की चीजें इस वक्त जयपुर में नजर आ रही है कोरोना से संबंधित, बताएं। देखिए, राजधानी में आज कोरोना के तीन मामले और सामने आए हैं, जिसमें एक जगतपुरा में है और एक मानसरोवर में है, और इसके साथ ही एक चाकसू क्षेत्र से एक महिला की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। हालांकि जो चाकसू से महिला आई है उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया गया जहाँ पर उनका सैंपल लिया गया था, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उनकी पॉजिटिव आई है। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनके परिजनों हैं, उनको भी आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं। और जो मानसरोवर के और जगतपुरा का जो मरीज है जिनको रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनके भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और उनको आइसोलेशन में रखने के लिए कहा। हालांकि जो दोनों मरीज है उन्होंने खुद ने जांच करवाई है, एक के बुखार था और एक के खांसी थी, उन्होंने खुद ने कोरोना की जांच करवाई है और अब जो रिपोर्ट आई है वह पॉजिटिव आई है। लगातार इनके केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी फाइनल रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग अब जारी कर रहा है प्रदेश की, जिसमें हो सकता है कि कुछ केसेस और बढ़े लगातार, लेकिन सैंपलों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब सैंपलों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनकी जो रिपोर्ट है वो भी कोविड पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है। जी भरत, ये जो मामले हाल फिलहाल में मिल रहे, क्या इन सभी को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है या फिर ये सब सामान्य कोरोना के मरीज हैं जो पहले जो वायरस था वही? देखिए, अभी जो मरीज मिल रहे हैं वो सामान्य कोरोना वाले मरीज हैं, लेकिन अब सभी के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं और अब 7 दिन में बाद में उसकी रिपोर्ट आती है। जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है JN1, ये उसमें उसके लक्षण है या नहीं है या सामान्य कोरोना के मरीज है वो है। अभी उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, बाकी इनके सभी के जो सैंपल है वो जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजे गए हैं। जी शुक्रिया आपका भरत, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। भरतराज हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि आखिर किस प्रकार से कोरोना के